अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने घर फाइनल कर लिया और हम लोग काफ़ी देर से घर देख रहे थे और कोई भी हमें सूटेबल नहीं लग रहा था, बट फाइनली हम लोगों ने आज घर फाइनल कर लिया। आज तो नहीं, कल हम लोगों ने फाइनल किए और आज से हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया। और मैं आप लोगों को ये शो कराना चाह रही हूँ कि मुझे इसका किचन बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग इस तरह से शिफ्टिंग कर रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले किचन से स्टार्ट की है। किचन की जितनी भी क्रॉकरी है और जितना भी किचन का सामान है, जितना भी रोशन है, सब कुछ खाने पीने से लेके क्रॉकरी तक, वो सारा हमने सबसे पहले किचन में रखना स्टार्ट किया है। और उसके अलावा जो है, आज हमने सारा दिन यही काम किया कि हम जितने भी कॉटन वगैरह वो हमने किचन में शिफ्ट किए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये LED और TV रखने के लिए जगह, ये भी बड़ी बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसमें सारी लाइट्स ऑन होती हैं और रात के टाइम बहुत प्यारा व्यू आता है इसका। और आप लोग ये देखें, यहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं और पिक्चर में या वीडियो में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, बट सामने देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके अलावा जो है, ये देखें आपके इसके एक रूम में ये येलो कलर हुआ है और बहुत प्यारा येलो कलर है। इसके वॉशरूम में भी सारा येलो कलर की टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, डिज़ाइनिंग हुई हुई है, लाइट्स भी इसमें येलो हैं। और इस रूम में ऑलिव ग्रीन सा कलर है, बट अभी लाइट्स यहाँ पे कम है, तो इंशाल्लाह हम लोग जब शिफ्ट होंगे तो और लाइट्स हम यहाँ पे लगाएंगे उससे पहले ही। और ये डाइनिंग रूम है और इसके साथ जो है ड्राइंग रूम है, और ये काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी खुला है, काफ़ी वाइड है। और बस यहाँ पे कुछ सामान रखने के बाद जो है हम लोग आए थे, यहाँ पे साथ ही एक मार्ट है तो वहाँ पे हम आए थे और यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी और काफ़ी भूख लग रही थी। तो अब आजकल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने वहाँ पे शिफ्ट कर ली हैं, तो थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नूडल्स और कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे। और नूडल्स में एक्चुअली भाई की डिमांड थी, उसकी फरमाइश ये थी कि चिकन के अलावा कोई अच्छे फ्लेवर्स लेके आओ। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे जो है मोस्टली सारे चिकन में ही पड़े हैं, पता नहीं शायद यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है या ज़्यादा चिकन के चलते हैं। तो जितने भी मैं देख रही हूँ तो सारे ही चिकन के हैं। ये एक मुझे जस्ट चटपटा नज़र आया और ये हैवी मैगी में, तो चटपटा मैंने एक दो ले रही हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए ले रही हूँ, बाकी जो है कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा। एक पड़ा था क्रीम वाला भी, ये वाला, अब ये वाला पड़ा है, बट मुझे इसका पता नहीं है, मैंने कभी ये फ़्लेवर ट्राई नहीं किया, तो इस वजह से जो है मैं चटपटा ही ले लेती हूँ, ट्राई करूँगी घर जाके। उसके अलावा जो है मैं यहाँ से कुछ बिस्किट्स वगैरह लेती हूँ। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ये बहुत ही मज़े की, इवन कि मैं अपने घर में भी पूरा इसका बॉक्स लेकर आती हूँ। ये जी केकअप में जो ये पर्पल कलर का है चॉकलेट फ्लेवर में, ये बहुत मज़े का है, बहुत यमी है। मैं खुद घर में भी इसका पूरा बॉक्स लेती हूँ और ये मैं और मेरे हस्बैंड हम बहुत शौक से खाते हैं। तो बस अभी शिफ्टिंग की वजह से ऑलमोस्ट सारा सामान किचन का तो चला गया, तो अब ये थोड़ी बहुत भूख के लिए ये चीज़ें मैं ले रही थी, कुछ स्नैक्स वगैरह, और ये चीज़ें बस मैं ले रही हूँ ताकि जो है हल्की फुल्की भूख के लिए ये चीज़ें अच्छी रह जाती हैं। यहाँ से चीज़ें लेने के बाद मैं इनके क्रॉकरी के सेक्शन में जो है वहाँ पे आ गई हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी चीज़ें मैं पहले आती थी, तो काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से लेती थी, मुझे बहुत अच्छी और रिजनेबल मिल जाती थी। तो अभी मैं ये देख रही हूँ, हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना ज़्यादा, बट मैं आदत से मजबूर हूँ, जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और इवन के जब मैं घर में भी होती हूँ या हम घर में मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो मुझे रोक रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे जाओगे और ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आओगी। तो बस वो मैंने ऐसे ही रेंडमली देखा। उसके बाद जो है भाई के लिए मैंने यहाँ से फ्राइज़ वगैरह लिए
और उसको मैंने दी क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। सारा दिन जो है वो काम वगैरह होता रहा तो उसने लंच भी नहीं किया था और रात का टाइम था, तो वो अभी फ्राइज़ इंजॉय कर रहा है और उसके साथ मैं भी जो है थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतना अच्छा कि यहाँ पे जो है मैं हर चीज़ छोड़ के और मैं बाहर जो है मौसम इंजॉय करने बैठ गई। बहुत ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है और एकदम से, क्योंकि काफ़ी दिन में गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और एकदम से जो है इतना अच्छा मौसम हो गया, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस यहाँ से लेने के बाद हम लोग घर आए और अम्मी ने जो है वो जल्दी से बॉयल्ड राइस और उसके साथ जो है देसी चिकन का सालन बनाया, और मुझे राइस बहुत पसंद है, बॉयल्ड राइस, उसके साथ कुछ भी दाल हो, सालन हो, मतलब के सैलड हो, रायता हो, चटनी हो, कुछ भी हो, अचार हो, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है मैं बॉयल्ड राइस के साथ जो है उसके ऊपर सालन जो है वो डाल के खा रही हूँ और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा बना था। और आपको पता है कि देसी चिकन का तो टेस्ट वैसे ही जो सालन बनता है, कोई भी ग्रेवी बनती है तो ऑलरेडी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही इसका अपना एक यूनिक सा टेस्ट है जो कि आम हमें चिकन में नहीं आता। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना खाना खा रही हूँ और काफ़ी लेट हो गए हम लोग, 12 बज रहे हैं, खाना घर आते, खाना बनाते और खाना खाते पूरे 12 बज गए और 12 बजे भी हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जी बस इसके बाद जो है हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह फिर वही रूटीन स्टार्ट होनी है शिफ्टिंग की, और फिर सामान वगैरह ले जा के रखना है। तो बस चले मैं अपना डिनर करती हूँ। और डिनर मैंने जैसे ख़त्म किया तो मुझे याद आया कि मैंने जो है ना अपना सामान भी पैक करना है, और ये कॉटन जो है मैं अपने सामान के पैक कर रही हूँ, ये इन लोगों की शिफ्टिंग के नहीं है, ये वो कॉटन है जो कि मेरे सामान का पैक हो रहा है जो कि मेरे साथ लाहौर जाएगा। और ये देखिए इतना क्यूट सा टेडी बेयर है, ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया अभी, और ये इतना क्यूट सा है कि मेरा दिल नहीं जा रहा कि मैं इसको जो रखूँ, मैं इसको बार बार देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। बस यहाँ पे पैक करने के बाद फिर मैं सो गई थी, बहुत थकी हुई थी, और सुबह को जो है अम्मी ने मुझे नाश्ता दिया कि जल्दी से नाश्ता करो और अगेन काम स्टार्ट कर दो, अपने काम पे लग जाओ। तो बस यहाँ पे जो है मिल्क शेक मैं पी रही हूँ और उसके साथ जो है एक स्लाइस चाय का कप और मार्जरीन ले रही हूँ मैं, इसके साथ मार्जरीन लगा रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चली गई थी, तो बस जो चीज़ अवेलेबल थी हम लोग जो है वही खा पी रहे हैं। और ये इस टाइम दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अम्मी लोग गए हुए हैं उस घर में सामान वगैरह रखने के लिए, और अम्मी ने मुझे कॉल किया अभी कि तुम जो है जल्दी से कुछ बना लो, और उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं इस तरह से आलू बनाती हूँ अपने घर में भी, सिंपल जो है आलूओं को छील के और मैं इनको जो है पतले पतले स्लाइस की तरह काट लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है क्योंकि मुझे घर में आदत है, मैं कटिंग बोर्ड पर काटती हूँ, बहुत जल्दी मुझसे कट जाती है हर चीज़ उस पर। तो ये जो है रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ईजी है, और ये एक तरह से समझें कि झटपट आलू ही बनते हैं। और सबसे पहले ये कि मैं आलू छील लेती हूँ, उनको स्लाइस में काट लेती हूँ, और स्लाइस में काटने के बाद मैं उसके साथ ही जो है प्याज और टमाटर वो भी जो है काट लेती हूँ, और इन सबको जो है मैं जो है नॉन स्टिक में, देगची में, या नॉन स्टिक ना भी हो आप सिंपल इसको रख दें। और इसको रखने के बाद जो है आपने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, सिंपल मसाले डालने हैं क्योंकि जो आप प्याज और टमाटर डालते हो तो जो ऑयल भी होता है, तो प्याज टमाटर जो है वो अपना पानी खुद छोड़ते हैं, उन्हीं पानी में ये आलू बनते हैं। और मुझे इस तरह के ड्राई ड्राई बहुत अच्छे लगते हैं,
क्योंकि मुझे थोड़े वाटरी टाइप के अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे पसंद नहीं आते। मैं इस तरह से ड्राई ड्राई बनाती हूँ। और जो है मुझे ऑयल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, बट अगर आप लोगों को ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालें तो वो और भी टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले जो है मैं ऑयल डालूंगी, और ऑयल डालने के बाद मैंने फ्रीज़र में अदरक जो है उसके पीसेस को फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के सिंपल उसको छोटा छोटा जो है टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं आता तो आप जो है उसको कूट के डाल सकते हैं, उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, या उसको मैश करके या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो मैं बस बहुत जल्दी में उस टाइम बना रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल की थी कि बस हम लोग आ रहे हैं, तुम जल्दी से कुछ बना लो। तो अदरक मैंने जो है फ्रीज़र से निकाल के और उसको सिंपल जो है छोटे छोटे पीसेस में करके डाल दिया, और उसके साथ ही मैं एक गार्लिक भी डाल रही हूँ, एक क्लोव बड़ा वाला जो होता है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें ऐड मत कीजिए। और सिंपल जो है अदरक और लहसुन छोटे छोटे पीसेस में उनको डालने के बाद बस लाइट सा उनको इतना बनाना है कि उसका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाए, जो उसमें कच्चेपन की महक आती है, स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है अच्छी तरह से इसको वो करने के बाद, गर्म होने के बाद आपने क्या करना है, इसमें जितना भी जो आलू थे और प्याज और टमाटर जो मैंने मिक्स देखे काटे हुए हैं, कोई प्याज़ों को रेड नहीं किया, कुछ मसाला नहीं बनाया, इनको मैंने डाल दिया। और इनको जो है मिक्स करने के बाद मैं इनमें मसाले डालूंगी, और मसाला जात में सिंपल नमक, सुर्ख मिर्च, और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ये डाल के, और इसके बाद जो है मैं इसको ढक के रख दूंगी। और अगर आपको जो है इसके साथ कोई और मसाला डालना हो तो डाल सकते हैं, बट इसका अपना टिपिकल जो एक टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और सब कुछ मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको सिंपल बस हल्की आंच पर ढक के रख दूँगी। प्याज और टमाटर जो है और आलू भी अपना खुद पानी जो है वो छोड़ेंगे, और उसी जो है पानी में ये बनेंगे। और 5-10 मिनट के लिए आप इनको ढक के रख दें, और उसके बाद जो है सिंपल आप उसको निकाल और सॉरी कवर हटा के, और आप इसमें जो है हरी मिर्च, धनिया, पुदीना डाल दें। और मैं जो है हमेशा एंड में जो है हरी मिर्च डाल के और दम पे लगा देती हूँ। और उसके बाद उसके साथ मुझे दही का जो है बहुत पसंद है, नमक और काली मिर्च डाल के बहुत अच्छी लग रही है, लगती है मुझे। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।